हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद अर्थात द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालने के लिए सीखे थे। आज हम लोग त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। एकदम अच्छे से ध्यान से देखते जाइएगा, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे या त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे। चलिए देर न करते हुए तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस में होता है bx² और प्लस में क्या होता है cx और प्लस में क्या होता है d प्लस में क्या होता है d। त्रिघात बहुपद क्या है? व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर इसको कर देंगे बराबर तो हो जाएगा बराबर, इसको बराबर कर देंगे जीरो के बराबर तो हो जाता है त्रिघात समीकरण। जब इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण। जीरो के बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा? समीकरण। ऐसे है त्रिघात बहुपद। जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे त्रिघात समीकरण। तो हम लोग आज सीखेंगे त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए। यदि आप लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए अभी तक नहीं देखे हैं पिछली वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर वो वाला समझ में आ जाएगा द्विघात वाला गुणनखंड निकालने का, द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने का, तो त्रिघात में एकदम एक भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक समझना, उसके बाद द्विघात बहुपद पर ही आ जाता है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको कैसे किया जाता है उस पर बताते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद देखिए, इसमें अधिकतम घात कितना है? तीन है। क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसका हमें क्या निकालना है? गुणनखंड। एक बार समझाएंगे दिक्कत नहीं होगा। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा कि त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालना है, सबसे पहले क्या करना है कि इस एक्स का मान लेना, मैंने एक्स जहां जहां एक्स है वहां एक्स का मान हमें रखना है। किसका मान रखना है? एक्स का। पहला स्टेप में क्या करेंगे, किसका मान रखेंगे एक्स का और x का ऐसा मान लेंगे जो पूरा बहुपद को शून्य कर दे, मतलब जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो कर दे। सबसे पहला स्टेप में क्या कीजिएगा कि x का मान लेंगे और ऐसा मान लेंगे जो पूरा समीकरण को, पूरा बहुपद को क्या कर दे? जीरो के बराबर कर दे। जीरो के क्या करे? बराबर कर दे। x का ऐसा मान लेंगे जो हम लोग कोई पूरा समीकरण को या पूरा बहुपद को क्या कर दे? जीरो के बराबर कर दे। यदि उसका मान, दूसरा स्टेटमेंट, यदि उसका मान प्लस मिलेंगे, किस मिलेंगे? प्लस में, तो उसका एक गुणनखंड किस में आएगा? माइनस में। जब प्लस मिलेंगे तो उसका एक गुणनखंड कौन सी में आएगा? माइनस में। और जब उसका मान माइनस मिलेंगे तो उसका गुणनखंड क्या आएगा? प्लस में। उसका गुणनखंड क्या आएगा? प्लस में। फिर समझिए, त्रिघात बहुपद का कहेगा गुणनखंड निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है कि पहला स्टेप में कि x का मान ऐसा लेना है जो पूरा बहुपद को क्या कर दे? जीरो कर दे। पूरा बहुपद क्या करे? जीरो कर दे। यदि उसका मान प्लस में रहेगा तो उसका ये गुणनखंड कहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यदि x बराबर, मान चलिए x बराबर कितना लेंगे, x बराबर अगर एक रखें, x बराबर कितना रखेंगे? एक रखें। अब प्लस में कि माइनस में, तब प्लस में। x बराबर यदि हम प्लस में एक रखेंगे, x बराबर प्लस में क्या रखेंगे? एक। और इस पूरा समीकरण को क्या करे? बहुपद को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। पूरा बहुपद क्या करेगा? जीरो कर देगा। तो कहेंगे प्लस में लिए था जीरो हुआ कि माइनस में? तो कहेंगे प्लस में लिए था क्या हो गया? जीरो। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन बराबर जीरो, क्योंकि इधर ही प्लस में बराबर किधर आएगा? क्या हो जाता है? माइनस में। जब प्लस में लेंगे और जीरो कर देगा तो उसका एक गुणनखंड कौन सी में होगा? माइनस में। अगर यही लेते एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर कितना लेते हैं? माइनस वन। तो अगर माइनस में लेते समीकरण को क्या कर देता? जीरो। इसका एक गुणनखंड कितना होता? प्लस में। मैंने इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस में। तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक गुणनखंड इसका क्या हो जाता है? एक्स प्लस वन। इतना में दिक्कत नहीं होगा। फिर समझिए,
सबसे पहले एक्स का ऐसा मान लेंगे जो पूरा समीकरण को क्या कर देगा, जीरो, पूरा समीकरण क्या कर देगा, जीरो। और यदि उसका मान प्लस रहेगा, यदि उसका मान क्या रहेगा, प्लस में मतलब पॉजिटिव में रहेगा, तो उसका एक गुणनखंड किस में जाएगा, निगेटिव में, एक गुणनखंड किस में जाएगा, निगेटिव में। और यदि उसका मान निगेटिव में रखेंगे तो उसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। जैसे एक्स बराबर प्लस में लिए वन हो जाएगा जीरो, इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। यदि यही माइनस में वन लेते हो जाता पूरा क्या, जीरो, तो इसका एक गुणनखंड किस में होता, प्लस में, किस में होता, प्लस में। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम x का मान लेंगे, x सबसे पहले किसका मान लेंगे, x का, किसका मान लीजिएगा, x का। और पूरा समीकरण क्या करना चाहिए, जीरो करना चाहिए। तो इसको आप लोग रफ में किस में कीजिएगा, रफ में x का मान पहले कहाँ शुरू कीजिएगा, एक बार प्लस लीजिएगा तो एक बार माइनस, मैंने एक बार लेते जीरो नहीं लेते, कभी भी जीरो नहीं लेते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं, एक से, कहाँ शुरू कीजिएगा, एक से, या तो प्लस में एक लीजिएगा और फिर लीजिएगा माइनस में एक, अगर ये दोनों पर नहीं आएगा जीरो तो फिर लीजिएगा प्लस में दो फिर माइनस में दो, अगर इस पर भी नहीं आएगा तो फिर आगे लीजिएगा प्लस पर तीन माइनस पर तीन, मतलब इसी तरह से चेक करते चल जाना है। और जिस पर जीरो आ गया, जिस पर जीरो आ गया वही उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, प्लस में आएगा तो माइनस में और माइनस में आएगा तो प्लस में। चलिए हम देखते हैं, जब भी लेते हैं जीरो नहीं लेना है, कहाँ शुरू करना है, एक से, एक बराबर एक लेते हैं, एक बराबर कितना लेते हैं, एक, एक बराबर एक लेते हैं, देखिए तो पूरा समीकरण को जीरो करेगा तो एक का क्यू की जगह कितना आएगा, एक का क्यू करेंगे तो एक, प्लस में तो प्लस ही आएगा, और एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, एक, और एक का करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा, मतलब ये प्लस में एक और ये प्लस में दो, तो कितना हो गया, प्लस में तीन, और ये देखिए तो माइनस में कितना हो जाएगा, दो और ये माइनस में जाएगा तीन, तो कितना आ गया, माइनस में तीन और माइनस प्लस में तीन, तो कितना हो जाएगा, जीरो। अगर ऐसे नहीं समझे तो हल करके देखिए, रखिए एक्स का मान पहले कितना लिए हैं, एक लिए हैं, एक्स का मान कितना लिए हैं, एक, तो रख दीजिए यहाँ पर, एक का क्या हो जाएगा, क्यू, आई माइनस है था माइनस टू अगुने एक, एक एक्स का मान रखिए कितना लिए हैं, एक, एक का स्क्वायर और माइनस वन और प्लस कितना, दो। चलिए जरा कर दीजिए तो एक का क्यू मैंने एक का बार गुना होगा तीन बार, तीन बार गुना करेंगे कितना आएगा, एक आएगा, और एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मैंने एक का बार गुना करेंगे दो बार, कितना आएगा, एक आएगा, और एक गुना करेंगे माइनस दो तो कितना जाएगा, माइनस में दो, और गुना कीजिए प्लस ही माइनस का जगह माइनस में कितना, एक, और प्लस में कितना, दो, तो प्लस वाला एक साथ कर दीजिए तो प्लस में एक और प्लस में दो, तो बोलिए प्लस में कितना हो जाएगा तीन, और माइनस में दो और माइनस में एक, तो माइनस में कितना हो जाएगा तीन, और दोनों घटेगा कितना गया जीरो। तो बोलिए एक्स बराबर पहला नियम क्या बताए थे कि एक्स का ऐसा मान लेंगे जो पूरा समीकरण को पूरा बहुपद क्या कर देगा जीरो, पूरा बहुपद क्या कर देगा जीरो। तो अगर जीरो प्लस पर कर रहा है तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस पर करता तो एक गुणनखंड क्या होता प्लस। तो बोलिए यहाँ से एक गुणनखंड निकालने कहेगा तो इधर ही प्लस में इधर करता माइनस में, एक्स माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा जीरो, मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड कितना निकल के आ गया तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस क्या आ गया वन। चलिए यहाँ तक में दिक्कत की नहीं होगा, आगे भी बढ़ते हैं। निकालने के बाद एक्स माइनस वन एक गुणनखंड आ गया, इसको क्या कीजिएगा कि यहाँ पर लिखना है तो कहाँ लिखना है ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप इसको छोड़ दीजिएगा, एक स्टेप इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, यहाँ पर एक स्टेप क्या कीजिएगा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद अगला स्टेप में इसको कई गुणनखंड निकालना है, तीन गुणनखंड इसका निकलेगा, जितना घात रहता है जितना अधिकतम घात रहता है उसका उतना गुणनखंड निकलता है, जैसे कई गुणनखंड निकलेगा तीन गुणनखंड, जो एक गुणनखंड में निकल कर आया है, एक गुणनखंड निकल के जो लेकर आए उसको कई बार लिख देंगे तो तीन बार, कईवां स्टेप में पहला स्टेप मान के चलिए तो हो जाएगा दूसरा स्टेप, मैंने यहाँ पर लिखेंगे कई बार लिख देंगे तीन बार, कई बार लिखेंगे तीन बार कितना आते एक्स माइनस वन, कई बार लिखिएगा थोड़ा सा छोड़ छोड़ के लिखेंगे, थोड़ा सा दूर दूर करके लिखेंगे कई बार तीन बार एक्स माइनस वन, और फिर यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस वन, फिर क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। फिर एक बार समझा रहे हैं, इस समीकरण को सबसे पहला स्टेप में इस समीकरण को क्या कीजिएगा जीरो के बराबर, जीरो के क्या कीजिएगा बराबर, तो जीरो का बराबर कैसे आएगा तो एक्स का मान रखेंगे और x का मान ऐसा लेंगे जो पूरा समीकरण को पूरा बहुपद क्या कर देगा जीरो, अगर प्लस में लेंगे तो जीरो कर रहा है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में लेंगे तो हो जाएगा जीरो तो प्लस में हो जाएगा। तो समझ में आ गया, जो जो आया वो गुणनखंड उसको कई बार लिखते हैं तीन बार, कई बार लिख देंगे तीन बार, और एक स्टेप छोड़ के एक लाइन छोड़ के एक स्टेप छोड़ के कई बार लिख देंगे इसको तीन बार, कई बार लिखेगा तीन बार, कैसे लिख देंगे तीन बार उसी थोड़ा सा छोड़ छोड़ के लिख देंगे। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, अब इसके बाद लेके आइएगा एक्स क्यू, जो ये पहले रहेगा उसी को लेकर आना है एक्स क्यू, क्या लेकर आना है एक्स क्यू, तब इसमें क्या गुना करें मैंने इसके साथ क्या गुना कीजिएगा कि एक्स क्यू आएगा, किसे आएगा क्या आएगा एक्स क्यू, मतलब एक्स क्यू हमें लाना है, क्या लाना है एक्स क्यू, तो अब क्या करें इसके साथ गुना किया जाएगा एक्स क्यू, तो
क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू, क्या आएगा एक्स क्यू, देख लीजिए एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्या आ जाएगा एक्स क्यू, क्या आ जाएगा एक्स क्यू। लेकिन नियम क्या है, जब एक्स स्क्वायर से गुना किए तो दोनों के साथ गुना होता है एक के साथ, कोई भी संख्या जैसे एक्स रहता है एक्स प्लस टू रहता है तो क्या ये दोनों के साथ गुना हुआ कि एक के साथ, तो इंटू का मतलब होता है दोनों के साथ, तो बोले इससे गुना किए तो इससे भी करना पड़ेगा, तो प्लस है आई माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना एक्स स्क्वायर गुने एक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा ये दोनों लाइन मतलब ई वाला और ये वाला एकदम सेम रहना चाहिए, दोनों क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। देखिए तो ऊपर में कितना दे रही थी एक्स क्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस में कितना है टू एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या है टू एक्स स्क्वायर, और नीचे में आ रहे कितना माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, हमें लाना पड़ेगा कितना टू एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना लाना पड़ेगा टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे खुद सोचिए कि मैंने माइनस में लाना टू एक्स स्क्वायर तो क्या करना पड़ेगा जोड़ना कि घटाना, तो घटा देंगे कितना तो एक्स स्क्वायर, कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो ए माइनस में एक्स स्क्वायर और फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस में क्या एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ जो आएगा उसमें जोड़ना या तो घटाना पड़ेगा किसको ऊपर वाला लाने के लिए, ऊपर वाला लाने के लिए दोनों एकदम सेम रहना चाहिए, जितना यहाँ एक्स स्क्वायर जितना है उतना ही रहना चाहिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर तो ऊपर में माइनस में टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी कितना रहना चाहिए माइनस में टू एक्स स्क्वायर। चलिए इसको अपने मन से लिखें, इसको अपने मन से लिखें ना उसको लाने के लिए, अब इसको अपने मन से लिखें तब क्या कीजिएगा जो अपने मन से लिखिएगा उसको लेकर आइएगा, तो किससे तो यहाँ पर गुना कीजिए मैंने कैसे आएगा कितना आना चाहिए, जो अपने मन से कितना लिख दिए माइनस में एक्स स्क्वायर लिखें अपने मन से ना, अपने मन से लिख दिए इसको लाने के लिए, तो जो अपने मन से लिखे उसको लेकर आएगा तो कैसे आता है, तो इसमें क्या गुना कीजिएगा कि इतना आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें अब गुना करना है किसमें तो इसमें गुना करना है, तो बोले माइनस लाना है और है क्या प्लस, तो माइनस के साथ क्या गुना करेंगे माइनस के साथ ये प्लस है तो प्लस के साथ क्या गुना करेंगे कि माइनस आएगा, तो अगर प्लस ये है तो प्लस के साथ अगर मान के चलिए प्लस करेंगे तो प्लस गुने प्लस क्या आएगा प्लस, तो बोलिए प्लस के साथ अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा प्लस, लेकिन लाना की है माइनस, तो बोलिए प्लस के साथ क्या गुना करना पड़ेगा हमें माइनस, क्योंकि प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, और लाना है एक्स स्क्वायर, लाना है क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स के साथ क्या गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो बोल दीजिए कितना आएगा तो एक्स करेंगे, कितना करेंगे एक्स करेंगे। अब देख लीजिए आया कि नहीं ऊपर वाला, तो माइनस ही प्लस हो गया माइनस एक्स गुने एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन अब नियम कहता है दोनों के साथ गुना हो कि एक के साथ तो दोनों के साथ, तो ये माइनस तो हो जाएगा क्या प्लस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स गुने एक तो क्या हो जाएगा एक्स। अब ध्यान रखिएगा फिर यहाँ समझिए आ गया प्लस में एक्स, लेकिन लाना कितना माइनस में एक्स, आ गया प्लस में एक्स लाना कितना हमें है माइनस में एक्स, अब इसमें जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो कितना आना चाहिए खाली माइनस में आना चाहिए एक्स, तो क्या करना पड़ेगा इसमें तो माइनस दो घटाना पड़ेगा, माइनस दो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो देख लीजिए प्लस में एक्स और माइनस में टू एक्स तो कितना आएगा बड़का में छोटा घटेगा तो टू दो में से गया एक तो क्या बचेगा एक, और चिन्ह को जी पड़ता है माइनस वाला तो आ गया माइनस में एक्स, मतलब ये लाना पड़ेगा। चलिए अभी तो अपने मन से लिख दिए लाने के लिए इसको, हमने माइनस में एक्स लाने के लिए इसको क्या लिख दिए, तब इसको जो लिखते हैं उसको लाते हैं कैसे, इसमें गुना करके देख लीजिए पहले चिन्ह क्या लाना है प्लस यहाँ पर है हम लाना है माइनस, तब किसके साथ क्या गुना करेंगे कि माइनस आएगा, तब माइनस गुना कर देंगे क्या करना कर देंगे माइनस, और लाना कितना दो हाई कितना अंक, अगर अंक का बात किया जाए तो हाई कितना एक, तो एक से साथ क्या गुना करेंगे आएगा दो, तो कितना गुना करेंगे तो आएगा दो, तो दो करेंगे, और एक हाई है एक से जब हाई है तो गुना करेंगे तो एक्स नहीं उसमें गुना करेंगे, अब देख लीजिए तो गुना करने पर आ गया देखिए तो माइनस ही प्लस तो माइनस टू गुना एक्स करेंगे तो टू एक्स आ गया, लेकिन नियम कहता है दोनों के साथ गुना होना चाहिए एक के साथ, तो दोनों के साथ माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दो गुने करेंगे कितना हो जाएगा दो। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला जो ऊपर वाला लाइनिंग और ये वाला लाइनिंग एकदम दोनों सेम रहना चाहिए तब सही है, अगर दोनों लाइनिंग एकदम सेम है तो सही है, अगर दोनों लाइनिंग में गलत थोड़ा सा भी अंतर हो गया तो कह देंगे गलत है, मिला लीजिए सेम है कि नहीं है। एक्स क्यू देखिए तो यहाँ भी एक्स क्यू है यहाँ भी एक्स क्यू है, ऊपर में देखिए तो माइनस में टू एक्स स्क्वायर है तो नीचे माइनस में टू एक्स स्क्वायर नहीं है, देखिए तो माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, आप लोग बताइए माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो बोलिए कितना इसको आएगा माइनस में कितना टू एक्स स्क्वायर, देखिए तो आ गया माइनस में टू एक्स स्क्वायर, अब आगे देखिए ऊपर वाला कितना लाना है माइनस में एक्स, तो नीचे माइनस एक्स में है देखिए तो प्लस में एक्स और माइनस में टू एक्स, प्लस में एक्स माइनस में टू एक्स, तब प्लस में एक्स माइनस में टू एक्स जाएगा बड़का में से छोटका, ये वो प्लस एक माइनस बड़का में जाएगा छोटका, तो कितना आएगा एक्स, चिन्ह कौन पड़ता है माइनस वाला आ गया माइनस में एक्स, तो लाना भी क्या था माइनस में एक्स,
मतलब यहाँ तक क्या है सेम है, और प्लस में टू, देखिए प्लस में टू, इन दोनों को एकदम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इतना तक में जिन्हें किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा होगा, अगर किन्हीं को दिक्कत हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके मैंने पीछे करके देख लीजिएगा, दो तीन क्वेश्चन बताएंगे इस पर, समझ में आ जाएगा फिर। चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन है, यहाँ भी एक्स माइनस वन है, यहाँ भी एक्स माइनस वन है, एक्स माइनस वन यहाँ भी, एक्स माइनस वन यहाँ भी, एक्स माइनस वन यहाँ भी, तीनों जगह एक्स माइनस कितना है, वन है, तो कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन कितना है, एक्स माइनस वन, कॉमन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन, क्योंकि तीनों जगह है तो कॉमन होगा, तो बोलिए अब कॉमन हो गया कितना, एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर से एक्स माइनस वन ले लिए, तो बचा यहाँ कितना पर, यहाँ पर बोलिए कितना बचा, तो इंटू में लिखाता है कितना बचा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स माइनस वन ले लिए तो बचा यहाँ पर कितना, तो माइनस में एक्स, और यहाँ पर देखिए तो एक्स माइनस वन ले लिए तो बचा कितना, माइनस में टू। अब देख लीजिए तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस में कितना आ गया, दो, तो कई घात वाला है, तो दो घात वाला है, कई घात वाला है, दो घात वाला है, और दो घात वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दो घात वाला पहले पढ़ चुके हैं, पहले इसको पढ़ चुके हैं, हम निकालना सीख चुके हैं कि दो घात वाला कैसे निकलता है। तो एक बार यहाँ फिर समझा दे रहे हैं, दो घात का नियम क्या कहता है, निकालने के लिए पहला गुणे क्या करेंगे, तीसरा, और जोड़ घटाव क्या होना चाहिए, दूसरा, पहला गुणे तीसरा, जोड़ घटाव दूसरा। तो हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, हमें गुना करें कितना आ रहा है, माइनस में टू एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर, इसको कई भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में, और दो भाग में ऐसा तोड़ेंगे कि आना चाहिए कौन, बीचे वाला आना चाहिए। तो एक कर दे रहे हैं, लाना है देखिए चिन्ह कौची लाना है, चिन्ह कौची में लाना है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। जो वीडियो नहीं देखे हैं द्विघात बहुपद का निकालने के लिए, वो जरूर एकदम पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा तब समझ में आएगा बढ़िया से। लाना है माइनस में, एक प्लस एक माइनस रहना चाहिए, लेकिन बीचे में कुछ लाना है माइनस की प्लस, तो माइनस, तो माइनस वाला क्या रहना चाहिए, बड़ा, और प्लस वाला क्या रहना चाहिए, छोटा। चलिए अब इसको तोड़िए, तो ऐसा भाग में तोड़ेंगे कि कौन वाला आना चाहिए, बीचे वाला आना चाहिए। तो वो दो कर दे रहे हैं, एगो एक कर दे रहे हैं, तो देखिए तो दो गुने एक करेंगे कितना आएगा, दो, और दो में से गया, मैंने माइनस में दो है प्लस में दो है, तो दो में से गया कितना आएगा, एक, एक लाना है, यहाँ पर एगो एक्स, यहाँ पर एगो एक्स, तो वन एक्स लिखिए या केवल क्या लिखेंगे, एक्स, दो एक्स में से एगो एक्स चल गया, मैंने एक गया जाएगा बड़का में से छोटका, तो दो में से गया एक, तो कितना बचेगा, एक, और चीना कुछ पड़ेगा माइनस वाला, देखिए तो आ गया माइनस वाला। तो बोलिए इसका जगह क्या लिखता है, इसको किसके जगह लिखते हैं, तो उसमें तो बताया हुआ किसके जगह लिखते हैं, तो बीचे वाला की जगह, तो एक्स माइनस वन इन टू इसका गुणनखंड कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर, आई बीचे वाला की जगह कितना लिख देंगे, तो माइनस में टू एक्स, और प्लस में एक्स, और माइनस में कितना, तो टू। उसके बाद कॉमन कितना लीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर एक्स माइनस वन है, और इसके बाद देखिए कॉमन यहाँ पर कितना लीजिएगा, तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा कितना एक्स, और माइनस यहाँ पर से एक्स लेवा गया तो बचा कितना, दो। अब बोलिए हमें लाना कितना एक्स, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस से क्या कॉमन लें कि प्लस आएगा, तो चिन्ह बदलना चाहिए, चिन्ह बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लस लाना प्लस है ये है, तो बोलिए चिन्ह बदलना चाहिए, नहीं तो चिन्ह कैसे नहीं बदलता है, तो पिछले वीडियो में बचा चुके हैं कैसे नहीं बदलता है, तो प्लस लेते हैं कॉमन लेते हैं, प्लस कॉमन लेंगे चिन्ह बदलता नहीं है, प्लस लेंगे तो चिन्ह बदलता नहीं है, लेकिन माइनस लेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बोलिए हमें लाना है प्लस और हाई प्लस भी, तो क्या चिन्ह बदलना चाहिए, तो बदलना नहीं चाहिए, तो क्या लेंगे प्लस, और बताइए प्लस लेंगे, लाना है एक्स और हाइये है एक्स, तो जितना रहे अगर उतना ही लाने का रहे तो कॉमन कितना लेते हैं, तो एक कॉमन कितना लेंगे, एक, जितना लाने का रहेगा अगर उतना ही रहे तो कॉमन कितना लेंगे, एक लेंगे। चलिए एक कॉमन ले लिए यहाँ से, तो बोलिए भाई बचा कितना, तो प्लस लेंगे तो चिन्ह बदलेगा ना, और एक लेंगे तो जो रहेगा वही रह जाएगा यहाँ पर एक्स, आई प्लस लेंगे तो चिन्ह बदलेगा ना, तो माइनस, यहाँ से एक लिए तो इस बच्चे बोले बचा कितना, ये दो। अब इसको महली कोष्ट कीजिएगा, अब उसके बाद एक्स माइनस वन, देखिए दोनों जगह कॉमन कितना है, तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू यहाँ भी, एक्स माइनस टू यहाँ भी, तो बोलिए कॉमन कितना हो जाएगा, तो बोल दीजिए कॉमन कितना, एक्स माइनस टू, तो बोलिए यहाँ पर बचा कितना एक्स, तो इन टू में लिखा था एक्स, अब प्लस यहाँ पर कितना बचा एक, अब इसको बढ़िया सजा के लिख दीजिए एक बार में, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, यही इसका क्या हो गया गुणनखंड, यही क्या हो गया इसका गुणनखंड, या इसी को हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन है इसको बाद में भी लिख सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, एक्स माइनस टू पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। जैसे आपको कहा देगा तीन गुने पाँच गुने चार, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन गुने चार गुने पाँच भी लिख सकते हैं, या तीन गुने कह देगा तीन गुने या कर ऐसे भी लिख सकते हैं, चार गुने तीन गुने पाँच, मतलब जो मन करेगा उसे लिख सकते हैं।
आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी आप लोग आगे पीछे करके गुना कर सकते हैं, इसको पहले भी कर सकते हैं गुना में, इसको बाद में कर सकते हैं। तो आप लोग का आंसर कोई आंसर सेम नहीं रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा, आगे पीछे खाली रह सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसमें और बढ़िया समझ में आ जाएगा। दिया है क्या, तो 2 बाई क्यू प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 1 इतना दिया हुआ है। तो इसको कह रहा है कि गुणनखंड निकालिए, क्या निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो कई घात का जरा देख लीजिए, तो कई घात वाला है, तो 3 घात, अधिकतम घात कितना है 3, तो त्रिघातीय बहुपद का है। क्या निकालना है इसका, गुणनखंड, क्या निकालना है इसका, गुणनखंड, क्या निकालना है इसका, गुणनखंड दिया हुआ है, इतना का निकालना है गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या कीजिएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें एक्स है कि बाई है, तो बाई है, जो चर राशि रहेगा उसी का मान रखेंगे। या इसमें बाई है तो बाई का मान ऐसा लेंगे जो पूरा बहुपद को क्या कर दे, तो जीरो कर दे, पूरा बहुपद को कोची करे, जीरो कर दे। मैंने बाई का मान ऐसा लेंगे जो पूरा बहुपद में कोची कर देगा, जीरो कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीरो करना चाहिए। तो कहाँ से रखते हैं, इसमें बाई का मान रखेंगे तो कहाँ से रखना शुरू करते हैं, एक से, जीरो लेते हैं ना, बल्कि कहाँ से रखेंगे, एक से, एक रखिए, एक रखेंगे। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं ध्यान से करिएगा तो हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर रखिए एक, तो एक का क्यू करेंगे कितना आएगा, एक, एक का क्यू करेंगे कितना आएगा, एक, एक गुणे करेंगे 2 कितना आएगा, 2, और एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1, और प्लस में ये है तो कितना हो गया, प्लस में 1 और प्लस में 2, तो प्लस में यहाँ तक कितना हो गया 3। अब यहाँ ये एक रख रहे हैं तो एक करेंगे, एक गुणे करेंगे माइनस में 2 तो कितना आएगा, माइनस में 2, और ये माइनस में कितना, 1, तो बोलिए माइनस में 2, तो माइनस में 2 और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 3, और प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो देखिए तो कितना इसका मान आएगा, 0 आ गया ना, कितना पर आया, 1 पर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट में तो आप लोग क्या कीजिए, प्लस में अगर 1 ना आया था, किस पर रखे थे, प्लस में 1, तो बोलिए इसका एक गुणनखंड हो जाएगा कोची में, तो प्लस में आया तो कोची में हो जाएगा, माइनस में, मैंने एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1। चलिए इतना ना समझ में आया, अब रखिए मान, रखिए एक्स, एक्स का नाम बाई, बाई का मान रखें क्योंकि बाई ना है, तो रखेंगे बाई बराबर कितना 1। अगर जिनको डायरेक्ट आ रहा है तो इस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रफ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस में रखे थे तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस में रखे तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस में कितना लिए थे 1, बाई बराबर कितना लिए 1। चलिए तो बाई का जहाँ जहाँ बाई वहाँ कितना रखेंगे 1, अगर 0 आ जाएगा, अगर ए प्लस 1 पर क्या आ जाए 0, तो उसका कह देंगे गुणनखंड वो कोची होगा, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, बाई माइनस क्या हो जाएगा 1, बाई माइनस क्या हो जाएगा 1। चलिए रख के देखिए 2, अब बाई का है तो 2 गुने बाई का क्या हो जाएगा क्यू, और माइनस की प्लस, प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस 2 गुने बाई का मान कितना 1, और माइनस में कितना 1। चलिए 1 का क्यू करेंगे कितना आएगा, 1 का क्यू करेंगे तो 1, मैंने 2 गुने 1, अब प्लस बाई का मैंने 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और माइनस में ही करेंगे कितना आएगा 2, और माइनस में कितना 1, बोले जाएगा 2 और प्लस 1, और माइनस में 2 और माइनस में 1, तो यहाँ से यहाँ करेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ से यहाँ कितना करेंगे माइनस में 3, बोले इसका हल करेंगे कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो देखिए तो कितना पर 0 आ गया, तो बाई बराबर 1 लिए थे तो कितना आ गया, मैंने प्लस में लिए थे माइनस में, तो प्लस में तो कितना आ गया 0, तो बोले इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस में लिए थे तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में, मैंने बाई माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, बाई माइनस 1, इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, बाई माइनस 1। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत मन में रखिएगा, अगर 0 आ गया तो जितना पर 0 आएगा, अगर प्लस में आएगा तो उसका खाली माइनस कर देंगे, और माइनस में आएगा तो उसका क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और उसको क्या करते हैं, तो नियम क्या बताए थे कि एक स्टेप छोड़ के उसको कई बार लिख देंगे, 3 बार, जो गुणनखंड आएगा ये वो उसको कई बार लिखते हैं, 3 बार। तो लिख दीजिए तब बाई माइनस क्या लिख देंगे 1, कई बार लिखेंगे 3 बार, थोड़ा सा छोड़ के, थोड़ा सा छोड़ के लिखेंगे, थोड़ा सा दूर दूर है बाई माइनस 1, बाई माइनस 1। चलिए इतना में दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को, फिर एक बार समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा,
कि बाई का मान, मानी बाईस में है तो बाई का मान ऐसा रखेंगे जो पूरा समीकरण को क्या कर दे, पूरा बहुपद क्या कर दे, जीरो, क्या कर दे, जीरो। अगर प्लस में रखेंगे तो उसका एक गुणनखंड होगा माइनस में, अगर माइनस में रखेंगे तो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा प्लस में। यहाँ ये प्लस में रखे थे तो इसका गुणनखंड हो गया माइनस में। जो गुणनखंड है वो आता है उसको एक स्टेप छोड़ के, एक स्टेप छोड़ के कई बार कर देंगे, लिख देंगे, गुना कर देंगे, तीन बार, कई बार लिख देंगे, तीन बार, कई बार लिखेंगे, तीन बार। चलिए उसके बाद क्या करते हैं कि नियम है, उसके बाद जो यहाँ लिखल है बाई क्यू, जो शुरू में लिखल है कितना, टू बाई क्यू, टू बाई क्यू। अब लाना हमें है टू बाई क्यू, क्या लाना है, टू बाई क्यू लाना है। तो बोले इसमें क्या गुना करें, मानी इस बाई में क्या गुना करें कि टू बाई क्यू आ जाए। अब प्लस में आए कि माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस वा के साथ कौन क्यों गुना करेंगे प्लस आएगा, तो पहले ध्यान रखना प्लस के साथ क्या गुना करेंगे प्लस आएगा, तो माइनस गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस गुना होगा तो माइनस नहीं तो क्या हुआ होगा प्लस हुआ होगा, तो प्लस आएगा। अब प्लस दिया गया चिन्ह के लिए, प्लस दिया गया प्लस। अब यहाँ इसमें क्या गुना करेंगे दो आएगा, इसका एक क्वेश्चन कितना है एक है, तो एक में क्या गुना करेंगे दो आएगा, दो गुना करेंगे तो आएगा कितना दो। और बाई में क्या गुना करेंगे बाई स्क्वायर आएगा, मतलब बाई क्यू आएगा तो क्या करेंगे तो बाई स्क्वायर, तो कितना गुना करेंगे तो टू बाई स्क्वायर, टू बाई क्या करेंगे स्क्वायर, टू बाई क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए आ गया ऊपर वाला जरा देख लीजिए, तो टू गुने करेंगे बाई, टू गुने बाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा टू बाई स्क्वायर, टू बाई क्यू, टू बाई क्या हो जाएगा क्यू, टू बाई क्यू। आई दोनों के साथ गुना किए एक के साथ, तो दोनों के साथ ही प्लस ही माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा तो टू बाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा टू बाई स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें आया कितना माइनस में टू बाई स्क्वायर, और लाना कितना है तो प्लस में बाई स्क्वायर, प्लस में क्या लाना है बाई स्क्वायर लाना है। तब इसमें जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और आना चाहिए क्या तो प्लस में बाई स्क्वायर, तो कैसे आएगा जरा देख लीजिए। तो बाई स्क्वायर अगर माइनस में करेंगे तो कभी भी आएगा प्लस में तो आएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें कितना प्लस कर दें कि आएगा खाली बाई स्क्वायर, तो प्लस में कर दें हम तीन बाई स्क्वायर, तीन बाई स्क्वायर में से गया दो बाई स्क्वायर, कितना बाई स्क्वायर आएगा तो एक बाई स्क्वायर। मतलब इसको लाना है कैसे करके इसको लाना है, तो क्या करना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा तो घटाना पड़ेगा। तो देख लीजिए क्या करें, जोड़ेंगे कि इतना आएगा, मतलब इतना को कैसे करेंगे, जोड़ने पर आ रहा है कि घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए तो माइनस में टू बाई स्क्वायर था, लाना था प्लस में बाई स्क्वायर, हम तीन बाई स्क्वायर प्लस में जोड़ दिए। तब देखिए तो घटाएंगे तो कितना, थ्री बाई स्क्वायर में से टू बाई स्क्वायर गया कितना आया बाई स्क्वायर आ गया। अब बोलिए अपने मन से लिख दिए ना, मतलब इसको अपने इसको लाने के लिए अपने मन से लिखें, तो जिसको अपने मन से लिखें उसको यहाँ गुना करके, मैंने क्या गुना करेंगे इतना आ जाए, मैंने इसमें अब क्या गुना करेंगे कि इतना आ जाए, जो इतना लिखे अपने मन से उसको लाना पड़ता है, तो इसमें गुना क्या करें कि वो आ जाए, वो वाला आ जाए जो अपने मन से लिखें उसको आना चाहिए। तो ध्यान रखिए तो इसमें देखिए तो प्लस लाना है, प्लस के साथ क्या गुना करेंगे प्लस आएगा तो प्लस आएगा, प्लस के साथ क्या गुना करेंगे प्लस आएगा तो प्लस। ध्यान देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो एक के साथ क्या गुना करेंगे तीन आएगा, तो तीन गुना करेंगे कितना आएगा तीन, और बाई के साथ क्या गुना करेंगे बाई स्क्वायर आएगा, कितना करेंगे बाई करेंगे, कितना करेंगे बाई करेंगे। चलिए अब ध्यान ये समझ में आ गया होगा, अभी दोनों के साथ गुना करेंगे एक के साथ, दोनों के साथ करेंगे एक के इतना आया, अब इससे करेंगे तो कितना आएगा ई प्लस ई माइनस, तो क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और तीन बाई गुने करेंगे एक तो कितना हो जाएगा थ्री बाई। दिक्कत है कि नहीं को यहाँ तक, नहीं दिक्कत होगा। चलिए ध्यान देखिए तो आ गया कितना माइनस में थ्री बाई, लेकिन हमें लाना कितना जरा देख लीजिए, था टू बाई माइनस में क्या लाना है टू बाई, और आल है कितना माइनस में थ्री बाई, आ गया है माइनस में थ्री बाई, लाना है माइनस में टू बाई, तो क्या करेंगे इसमें जोड़ दे रहे हैं एक बाई, जोड़ दे रहे हैं कितना एक बाई, तो देखिए तो आ गया माइनस में टू बाई, मतलब इस चलिए लाना था कितना माइनस में टू बाई, और आल था थ्री बाई, तो क्या करेंगे इसमें जोड़ दिए कितना प्लस में वन बाई, तो कितना गया माइनस में टू बाई, माइनस में कितना गया टू बाई। अब इसमें अपने मन से कितना किए प्लस में बाई, प्लस में क्या किया अपने मन से किए ना, इसको लाने के लिए ना कर दिए, तो इसको लाना पड़ेगा, तो कैसे लाते हैं इसको, तो यहाँ पर कुछ करके लाते हैं, तो क्या करेंगे प्लस लाना, तो इस प्लस साथ क्या गुना करें कि प्लस आएगा, तब प्लस। अब बोलिए लाना है बाई, या बाई के साथ क्या गुना करें कि बाई आएगा, तो कितना करेंगे एक कर देंगे तो कितना आएगा बाई आएगा। अब देखिए तो आप दोनों के साथ गुना हुआ कि एक के साथ, दोनों के साथ प्लस ई माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और एक गुने करेंगे एक तो कितना आएगा एक। अब हो गया देखिए तो आ गया माइनस में कितना एक, अब दोनों को मिला लीजिएगा, अगर ए और ए दोनों आपस में क्या रहे सेम रहे तो कह देंगे सही है गुणनखंड क्या मेरा सही है, अगर दोनों में थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो कह देंगे गुणनखंड गलत है। मिला लीजिए टू बाई क्यू, तो यहाँ भी है टू बाई क्यू, माइनस में बाई स्क्वायर और प्लस में थ्री बाई स्क्वायर, तो बोलिए इसको अगर इसका हल करेंगे माइनस में टू बाई स्क्वायर
अब प्लस में 3 बाई स्क्वायर, जब इतना को हल कीजिएगा कितना आएगा, प्लस 2 3 बाई स्क्वायर में से 2 बाई स्क्वायर जाएगा कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस में, तो देखिए तो है 2 स्क्वायर प्लस में ऊपर वाला, तो है यहाँ से यहाँ तक सेम है। फिर आगे ये माइनस में 2 बाई स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में है माइनस 2 बाई, देखिए तो माइनस में कितना है 3 बाई और प्लस में कितना है 2, तो देखिए तब 2 बाई 3 बाई में से गया कितना 2, तो आएगा कितना 2 बाई, चिन्मा को जी पड़ता है माइनस वाला, तो कितना गया माइनस में 2 बाई है, माइनस में 2 बाई और माइनस में कितना है 1, मैंने दोनों क्या सेम है कि अलग अलग है, एकदम सेम है, तो क्या है सही है। चलिए इतना भी दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़िए। अब इसके बाद देखिए तीनों जगह कॉमन क्या है, तो कॉमन तीनों जगह देख लीजिए तो क्या है, तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, तो बोलिए कॉमन कितना है सब जगह 2 माइनस 1, तीनों जगह कितना है 2 माइनस 1, यहाँ से 2 माइनस 1 लिए कॉमन, तो बोलिए बचा ही कितना, तो इनटू में लिखाएगा कितना 2 बाई स्क्वायर और प्लस में कितना 3 बाई और प्लस में कितना 1, प्लस में 1। चलिए अब देख लीजिए तो इधर देखिए तो आ गया कितना 2 घात वाला, मैंने 2 घात वाला आ गया कितना 2 घात वाला का, 2 घात वाला बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, देखिए आप लोग भी निकाल दीजिएगा। पहला गुणे क्या होता है तीसरा, पहला गुणे क्या होता है तीसरा, तो कीजिए कितना आएगा 2 बाई स्क्वायर। अब इसको कई भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में, कई भाग में 2 भाग में, और लाना गुना करके प्लस, तब प्लस लाने के लिए कई नियम, तो 2 नियम, दोनों प्लस या दोनों माइनस, लेकिन लाना दोनों कोची में प्लस में, बिना बीच वाला कोची लाना प्लस में, दोनों क्या रहेगा प्लस में। अब बोलिए 2 को तोड़ेंगे, तो 2 को तोड़ेंगे, 2 ऐसा भाग में क्या आना चाहिए कितना 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो हम जोड़ दे तोड़ दे रहे हैं 2 और 1 में, 2 और 1 में 1 में, 2 एगो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बोलिए 2 गुने करेंगे 1 कितना आएगा 2, यहाँ पर 1 बाई डाल दे रहे हैं, 1 यहाँ पर 2 डाल दे रहे हैं, और जोड़ने पर देखिए तो 2 बाई प्लस 2 कितना आएगा 3 बाई आ गया। चलिए तो कर दीजिए, तो जरा 2 माइनस कितना 1 इंटू 2 बाई स्क्वायर और प्लस में कितना 2 बाई, प्लस में कितना 2 बाई 3 बाई, जब बीच वाला जगह लिखते हैं ना, पिछला वीडियो में एकदम डिटेल से बताया गया है 2 बाई और प्लस कितना 2 बाई 1 बाई को खाली 2 लिखेंगे और प्लस में कितना 1। बोलिए अब कॉमन है कुछ, जरा देखिए तो वहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा 2 माइनस 1 इंटू, यहाँ से कॉमन कुछ है देखिए तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 है कॉमन, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 कॉमन, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो बोलिए बचा यहाँ पर कितना, तो 2 स्क्वायर से 2 कॉमन लिए तो 2, अब प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेते कुछ नहीं तो कितना बचा 1। अब ध्यान रखिए हमें लाना है प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस से क्या कॉमन लेंगे, प्लस आएगा तो प्लस लेंगे क्योंकि चिन्ह बदलना नहीं चाहिए। अब बोलिए लाना है 2 और है कितना 2 लाना है 2 है, तो बोलिए जितना रहेगा उतना ही से क्या कॉमन लेते हैं, तो उतना आता है तो 1 लेंगे कॉमन, तो कॉमन 1 लिए तो यहाँ पर 2 और प्लस यहाँ पर कितना बचा 1। अब बोलिए दोनों जगह है कॉमन देख लीजिए तो कितना, तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1 यहाँ भी, तो 2 माइनस 1 इंटू, बोलिए कॉमन कितना था 2 प्लस 1, यहाँ से 2 प्लस 1 कॉमन हो गया, तेजा बचा कितना, तो इंटू में लिखाएगा कितना 2 और प्लस कितना 1। चलिए इसको बनेस लिख दीजिए, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू कितना 2 प्लस 1, या आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी आगे रह सकता है कोई भी पीछे रख सकता है, लेकिन इंटू में रहेगा तो कोई भी आगे पीछे रह सकता है, समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोग अपना से अच्छा से कॉपी पर जरूर बना लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। कमेंट में से अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें समझ में नहीं आया, फिर इस पर एक वीडियो बना देंगे। ऐसे तो अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे रिपीट करके एक बार जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है 3 बाई क्यू 3x स्क्वायर माइनस में 9x और माइनस में कितना 5। अगला क्वेश्चन है x³ + 13x² + 32x और प्लस कितना है तो 20 है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन x³ - 10x² - 53x और माइनस में कितना 42। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर y³ - 2y² - 29y माइनस में कितना तब 42
चार गो आप लोग को क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग अपना अपना कॉपी पर अच्छा से बना लीजिएगा, अच्छा से बना लीजिएगा। इसी में एक टाइप और है, हम लोग आगे क्लास में सीखेंगे, कल के क्लास में सीखेंगे आगे वाला टाइप, इसी टाइप पर त्रिघाती बहुपद का और एक और टाइप का है, आगे हम लोग सीखेंगे।